भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे बीरभद्र सिंह के निधन के बाद उनकी अस्थियों को प्रदेश अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की नदियों व झीलों में विसर्जित किया जाएगा। इसी के चलते 17 जुलाई को बिलासपुर के गोविंद सागर झील में भी राजा बीरभद्र सिंह की अस्थियां विसर्जित की जाएंगी, जिसको देखते हुए आज नैना देवी के PWD रेस्ट हाउस नमहोल से अस्थि कलश यात्रा निकाली गयी, जिसमे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं व नेताओं ने न केवल भाग लिया बल्कि पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करने का काम भी किया। गौरतलब है कि ये कलश यात्रा नमहोल से ब्रह्म पोखर होती हुई कोठीपुरा कलर होते हुए सवार घाट के लिए रवाना हुई, जहां श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद आज रात भाखड़ा के बर्तरी मंदिर में रखी जाएगी, जहां से कल यानी 17 जुलाई को पद यात्रा के रूप में कलश यात्रा निकाल कर भाखड़ा स्थित गोविंद सागर झील में अस्थि विसर्जन किया जाएगा। वहीं कलश यात्रा में मौजूद नैना देवी से कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए राजा बीरभद्र सिंह को हमेशा याद किया जाएगा और प्रदेश की जनता अपने अपने इलाकों में हुए विकास कार्यों को जब भी देखेगी तब तब उन्हें बीरभद्र सिंह याद आएंगे। साथ ही उन्होंने प्रदेश की राजनीति में न भूतकाल और न ही भविष्य में इस तरह के नेता होने का दावा भी किया है। कहना चाहूँगा कि वीरभद्र सिंह की ये यात्रा जो है वो यहीं पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जो इन्होंने काम पूरे प्रदेश के लिए जो है किए हैं और पूरे प्रदेश के अंदर सर्वांगीण विकास जो वीरभद्र सिंह ने किया है वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे मैं कहना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग के जो है वो कार्यकारी को सुचारू रूप से चलाने की बात हो, या मैं आपसे कहना चाहूँगा कि सड़कों का हो, पानी का हो, और जितने भी सर्वांगीण विकास के काम हैं वो माननीय वीरभद्र सिंह जी ने किए हैं, ये काम उनको हमेशा हमेशा के लिए जो है वो लोगों को याद कराते रहेंगे। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि शायद ना तो पीछे कभी ऐसा नेता हुआ होगा और ना कभी आने वाले समय में जो है वो इस प्रकार का नेता जिसने सर्वांगीण विकास किया हो, हिमाचल प्रदेश को ऊंचाइयों तक लेके गए हों, शायद मैं कहूंगा कि इस प्रकार के नेता की जो कमी है वो हमेशा खलती रहेगी और प्रदेश के लोग जो है वो उनके लिए जो है वो हमेशा समर्पण की भावना से उनके लिए आगे खड़े रहेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए बिलासपुर से अश्विनी की रिपोर्ट। Oh,